राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय अशोगी के ऊपर से गुजर रहा है 11,000 वोल्ट का तार, जिसको लेकर ग्रामीण डरे हुए हैं। छात्र अचानक से बिजली के तार टूट जाने के डर से विद्यालय जाने से डरते हैं, एवं अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल जाने से साफ साफ मना कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा जाता है, तो दूसरी ओर बच्चे एवं शिक्षक मौत के मुंह पर खड़े हैं। आखिर कब तक शिक्षक विभाग की लापरवाही रहेगी, या शिक्षा विभाग ने देश के भविष्य को निगलने का मंसूबा है? ये आदर्श मध्य विद्यालय है और इस विद्यालय के ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार गुजर रहा है, और इस तार जो गुजर रहा है इसको लेकर बार बार कंप्लेन किया जाता रहा है, मीडिया ग्रुप में न्यूज निकलता रहा है, संबंधित अधिकारी तक ये बात पहुँचाया जाता रहा है कि तार को बदला जाए, नहीं तो कभी भी अनहोनी हो सकता है, बड़ा दुर्घटना घट सकता है। लेकिन बावजूद हमारे जनप्रतिनिधि और इससे संबंधित अधिकारी, या बिजली विभाग के हो या शिक्षा विभाग के हो, अब तक जागे नहीं है, जिसके कारण कभी भी अनहोनी हो सकती है। अभी सुबह का 10 बजने जा रहा है और अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे अचानक से तेज आवाज हुआ है और एक अफरा तफरी की माहौल हो गया है और लोग भागने लगे हैं। लोगों को लगा है कि तार टूट कर गिर जाएगा संभवतः, क्योंकि गौरतलब है कि कल यही पे अशोकी बाजार पर तार टूटा था। यहाँ पेड़ से बहुत सारा तार, 11,000 वोल्ट का तार गुजर रहा है, पेड़ से सट रहा है, बार बार लोग भयभीत हैं और डरे हुए हैं कभी भी तार टूट जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी मौन है, न शिक्षा विभाग इस पर कुछ कर रहा है पहल, न ही बिजली विभाग, जबकि ग्रामीण बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। आइए कुछ लोग से बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और डर के मारे निकले हैं कि क्या हुआ, तार गिरने वाला है कि क्या, बड़ा भयभीत है, घबराए हुए निकले। हम यहाँ ग्रामीण से बात करते हैं, सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। विशाल कुमार जी, ये बताइएगा कि क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे एनी टाइम लाइन की खतरा रहती है, बच्चे लोग करते रहते हैं। एक बार बाजार पे मेरे अशोकी बाजार पे तार गिरा और वहाँ पे आए, बहुत फोन करने के बाद आए और यहाँ पे बना, अभी भी बहुत सारे तार लंगे हैं, टूटे हुए हैं, उसको चेंज कॉपर वाले तार चेंज करने के लिए कितने कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आचार नहीं हुआ। कंप्लेन के बाद कोई सुनवाई नहीं सुनवाई हुआ है। और अभी अभी जस्ट मेरे आँख के सामने यहाँ पर लाइन का तार से बच्चे यहाँ पर खड़े थे, हम लोग भी लगाए हैं बच्चा सबको, और अभी जस्ट आवाज़ किया और इसके बारे में कितना हजार तार, ये वोल्ट का तार गुजर रहा है? 11,000 वोल्ट का तार गुजर रहा। अच्छा, जिससे कि बड़ा कभी भी अनहोनी हो सकता है, आप लोग गांव के लोग डरे रहते हैं। अच्छा, तुम लोग यहाँ के स्टूडेंट हो क्या? ये जब भी ये तार के कोई तरह का आवाज होता है, अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, तुम लोग भागना पड़ता है डर के मारे, तो क्या कहते हो कि तार बदला जाए? यहाँ बच्चे हैं जो लगातार प्रशासनिक लोग से गुहार लगा रहे हैं कि ये तार को बदला जाए, नहीं तो कभी भी अनहोनी हो सकती है।